हेलो एरीज, होप यू आर डूइंग गुड। ये आपकी न्यू मंथ की रीडिंग है अप्रैल 2022, और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। आपसे कौन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं मंथ ऑफ अप्रैल में। और अप्रैल में एरीज टाइम, तो ये एक वही फर्स्ट 10 डेज, मिडिल 10 डेज एंड लास्ट 10 डेज वाला स्प्रेड होगा। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं इन अप्रैल। अप्रैल टाइम में एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं, फर्स्ट 10 डेज, मिडिल 10 डेज एंड लास्ट 10 डेज ऑफ अप्रैल फॉर एरीज। ओके, अंडरनीथ पे आपके पास है क्वीन ऑफ तो देखते हैं कि आपके फर्स्ट 10 डेज के क्या मैसेजेस हैं। एरीज, नाइट ऑफ सोर्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ पर अंडरनीथ में आपके पास क्वीन ऑफ कप है। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, हो सकता है कोई प्रपोज़ल आपके पास हो, कोई सॉलिड प्रपोज़ल किसी पर्सन की तरफ से जो कि लॉन्ग टर्म है, और या फिर कोई कुछ लोगों के लिए ये जॉब ऑफ़र हो सकती है, लेकिन ये एक कमिटमेंट ऑफ़र भी हो सकती है जो कि लॉन्ग टर्म है, पर आप उसके हवाले से कंफ्यूज्ड हैं। आप अपने अदर ऑप्शंस को भी ओपन रखे हुए हैं, लाइक आप दूसरे ऑप्शंस को भी कंसिडर कर रहे हैं इस वक्त में, लेकिन जो ये टाइम है इसमें आप बहुत अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखा हुआ है आपने, लाइक क्लोज्ड ऑफ हैं आप। जो भी ऑफ़र आपके पास आ रही है, हो सकता है बहुत से लोगों की तरफ से आ रही है और आप कंफ्यूज हैं कि आपको किससे चूज़ करना है। और इसके अलावा आप जो हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप किसी वाटर साइन से डील कर सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, या फिर ये आपके अपने ट्रेट्स हैं कि आप जो हैं अपनी इमोशंस को कंट्रोल में रखा हुआ है। आप बता नहीं रहे, कूल एंड काल्म, जो भी लोग आपके पास आ रहे हैं प्रपोज़ल लेकर, या आपका पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर ही प्रपोज़ल लेके आ रहे हैं, तो आप उसको वो रिस्पांस नहीं दे रहे जो सबके आपको देना चाहिए। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपका रिस्पांस है नॉन सीरियस, आपका हो सकता है ये नॉन सीरियस रिस्पांस, बट आप आप इस सिचुएशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। हो सकता है पहले आप थोड़े नॉन सीरियस हों, बट अब आप इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं, या फिर वो पर्सन पहले नॉन सीरियस था, अब नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता है, इसको ऑफिशियल करना चाहता है, बट उसको राइट टाइम का वेट है। आप राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, आप स्टेबिलिटी का वेट कर रहे हैं उसकी तरफ से, कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं फर्स्ट 10 डेज में। सो मिडिल 10 डेज में आपके पास है हर्मिट, एस ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड। सो आप अपने ट्रेड में हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड, आपको फैसला करना है। हो सकता है आप अपने आप को आइसोलेट कर लें ताकि आप सही फैसला कर सकें कि किस पर्सन को आपको चूज़ करना है, क्योंकि आपके पास बहुत सी ऑफर्स हैं, यहाँ पर बहुत सारी ऑफर्स हैं। आप इनमें से किसी एक को चूज़ करना चाहते हैं, किसी एक लॉन्ग टर्म ऑफर को चूज़ करना चाहते हैं। सो आपको इस सोच समझ के फैसला करना है, और आपकी एक न्यू इमोशनल बिगनिंग भी हो रही है यहाँ पर। स्टेबल बिगनिंग और इमोशनल बिगनिंग दोनों एक साथ हो रही है, और ये आपके लिए आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रही है, लोगों के लिए अट्रैक्टिव बना रही है। आप लाइम लाइट में हैं, आपके पास इस पर बहुत से प्रपोज़ल आ सकते हैं, आप लाइम लाइट में रह सकते हैं इन मंथ ऑफ अप्रैल में, क्योंकि इन मंथ ऑफ अप्रैल में न्यू मून होगा आपके साइन में। तो ये आपको आपकी शुरुआत हो सकती है कि आपके सेल्फ में एक
चेंज आए, आपके आप लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों, तो और एक लव प्रपोजल्स भी अट्रैक्ट हो सकते हैं आपकी तरफ इन मंथ ऑफ अप्रैल में, क्योंकि न्यू मून जो है वो अप्रैल में एरीज में होगा इन अप्रैल में। सो ये आपकी लाइमलाइट में आप रह सकते हैं, आपकी पर्सनालिटी बहुत चार्मिंग है, लेकिन आपको सोच के फैसला करना है। हो सकता है आप उन लोगों से अपने आपको डिटैच रख रहे हैं जो लोग आपके पास आ रहे हैं, लाइक कुछ लोग ऐसे भी आ सकते हैं जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं चाहते, तो आप इनसे अपने आप को सिक्योर रखने की कोशिश कर रहे हैं इन मिडिल डेज में। लास्ट 10 डेज में आपके पास है द डेविल, हेरफंट एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो आपको ऐसा लगता है, या तो आपको ऐसा लग रहा है कि जो मैरिज है वो रिस्ट्रिक्शन है, लाइक अगर आप जस्ट लव इमोशंस में रहना चाहते हैं, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आप अभी नॉन सीरियस है अपनी लव रिलेशनशिप के हवाले से। आप लाइमलाइट में रहना तो चाहते हैं, आप लाइमलाइट में आ रहे हैं, लाइक फर्स्ट 10 डेज में आप लाइमलाइट में आ रहे हैं, लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन रहे हैं, लेकिन आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, लाइक अपनी स्टेबिलिटी के इंतज़ार में ही हैं आप। जस्ट इमोशनल न्यू बिगनिंग तो हो सकती है, पर आपको मैरिज जो है वो रिस्ट्रिक्शन लग रही है, लाइक आपको लगता है अगर आप मैरिज रिलेशनशिप में एंटर हो जाएंगे तो आपके लिए ये एक रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी, बाउंड्रीज हो जाएगी, और आप एक एक चीज़ में महदूद हो जाएंगे, तो ये चीज़ आप नहीं चाहते इस वक्त में इन मंथ ऑफ अप्रैल में। सो आपकी जो फुल मून है इन द एंड ऑफ द मंथ वो आपका 7th हाउस में होगा, यानी लिब्रा में, तो लिब्रा आपका 7th हाउस है। तो आपकी मैरिज के हवाले से कुछ प्रपोजल्स आ सकते हैं, सॉलिड कमिटमेंट भी आपके पास आ सकती है, पर आपको आप इस वक्त में सीरियस नहीं हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आप बाउंडेज में चले जाएंगे, और हो सकता है कि फाइनेंसेस थोड़े आपके लिए तो बहुत मसला बन रहे हो, फाइनेंसेस की लैक हो, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज पे है आपका काम, जिसमें अभी आप फाइनेंसेस को गैदर करें, मैनेज करें, तो आप अभी मैरिज सिचुएशन में नहीं जा सकते। सो फाइनेंसेस करियर फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ, लाइक जो भी फाइनेंसेस हैं वो आपके लिए बन रहे हैं इशू इस टाइम पे, तो इन इन योर लव लाइफ, अगर आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो मैरिज जो फाइनेंसेस हैं वो आपके लिए मसला बन सकते हैं इन मंथ ऑफ अप्रैल में। सो जो फर्स्ट 10 डेज है उसमें आप बहुत ज़्यादा लाइम लाइट में होंगे, आप चीज़ों को नॉन सीरियस ले रहे हैं, क्योंकि कमिटमेंट को नॉन सीरियस ले रहे हैं, क्योंकि आपके पास फाइनेंसेस नहीं है, तो आप जो है सोच समझ के फैसला करना करना है आपको मिडिल डेज में, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बने हुए हैं कि किस पर्सन को आपको एंटर होने देना है अपनी लव रिलेशनशिप में। तो एक नया स्टार्ट हो तो रहा है किसी एक पर्सन के साथ, बट आप इन द एंड ऑफ द मंथ कमिटमेंट के हवाले से थोड़े से इनसिक्योर ही रहेंगे बिकॉज ऑफ फाइनेंसेस। एवीज, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। If it's a donate to you, please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.